अल्लाह रखा रहमान यानी एआर रहमान। अल्लाह रखा रहमान हिंदी फिल्मों के एक जाने माने संगीतकार हैं। सुरों के बादशाह रहमान ने हिंदी के अलावा अन्य कई भाषाओं की फिल्मों में भी संगीत दिया है। रहमान गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं। एआर रहमान ऐसे पहले भारतीय हैं जिन्हें ब्रिटिश भारतीय फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर में उनके संगीत के लिए 3 ऑस्कर नामांकन हासिल हुआ है। इसी फिल्म के गीत जय हो के लिए सर्वश्रेष्ठ साउंडट्रैक कंपाइलेशन और सर्वश्रेष्ठ फिल्मी गीत की श्रेणी में 2 ग्रैमी पुरस्कार मिले। एआर रहमान का जन्म 6 जनवरी 1967 को चेन्नई में हुआ था। उनके पिता आर के शेखर एक म्यूजिक कंपोजर थे। जब रहमान सिर्फ 9 साल के थे उस वक्त उनके पिता का देहांत हो गया था और पिता के म्यूजिक उपकरणों को किराए पर देकर घर का खर्च चलाया जाता था। जन्म के वक्त इनका नाम A.S. दिलीप कुमार था क्योंकि उस जमाने में रहमान के पिता को अभिनेता दिलीप कुमार की फिल्में काफी पसंद थी। फिर 23 साल की उम्र में जब रहमान की बहन की तबीयत बेहद खराब हो गई थी तो पूरे परिवार के साथ रहमान ने अपना धर्म परिवर्तन किया और उनका नाम A.S. दिलीप कुमार से A.R. रहमान पड़ गया। रहमान ने शुरुआती दिनों में एडिज और जिंगल्स बनाने शुरू किए थे, साथ ही डॉक्यूमेंट्री के लिए बैकग्राउंड संगीत भी दिया करते थे। उसके बाद मशहूर डायरेक्टर मणिरत्नम ने पहली बार एआर रहमान को अपनी तमिल फिल्म रोजा के गानों में संगीत देने के लिए अप्रोच किया और पहली बार रहमान ने किसी फिल्म के लिए गाने कंपोज किए। इस फिल्म के लिए रहमान को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का नेशनल अवार्ड भी दिया गया। रोजा के बाद एआर रहमान का नाम सबकी जुबान पर छा गया। उसके बाद बॉम्बे और जेंटलमैन फिल्मों में भी रहमान ने संगीत दिया। बॉम्बे फिल्म के गाने भी तमिल के साथ साथ हिंदी भाषा में भी काफी पसंद किए गए। सुन ले मीनाक्षी तू ही मेरा दिल। बॉम्बे थीम को अलग अलग अवसरों पर प्रयोग में भी लाया गया। यहां तक कि दीपा मेहता की फिल्म फायर में भी बॉम्बे थीम प्रयोग में लाया गया। डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा की फिल्म रंगीला में एआर रहमान ने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया। फिल्म के सारे गाने सुपर डुपर हिट कहलाए। उसके बाद दिल से और सुभाष घई की फिल्म ताल में भी रहमान ने बेहतरीन संगीत देकर ऊंचाइयों की नई बुलंदियों को छुआ। रहमान ने अपना नॉन फिल्मी एल्बम वंदे मातरम भारत के स्वतंत्रता दिवस की 50वीं सालगिरह पर लॉन्च किया जिसे काफी सराहाया गया। रहमान को फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर्स के गाने के लिए विश्व का मशहूर एकेडमी अवार्ड, बफ्टा अवार्ड और ग्रैमी अवार्ड भी मिला। रहमान को भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री और पद्म भूषण सम्मान भी दिया जा चुका है और 4 बार नेशनल अवार्ड भी मिला है। एआर रहमान ने अपनी बचपन की दोस्त सायरा बानो से निकाह किया और उनकी 2 बेटियां तीजा रहीमा और एक बेटा अमीन है। नेशन लाइफ की तरफ से भी एआर रहमान को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नेशन लाइफ के लिए कंचन सिंह की रिपोर्ट।